तो ही गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए और फ्रेश वीडियो में। तो गाइस आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को ये वाले गोल्डन फायर बीटीएस बंडल के साथ फ्री ड्रेस कॉम्बिनेशन दिखाने वाला हूँ। एंड अभी मेरे पास बीटीएस इवेंट के सिर्फ दो ही बंडल है, एक वाइट वाला जो कि मेरे एक फ्रेंड के आईडी में है। एंड अगर आपके पास इन दोनों में से अलावा कोई और सा बंडल है तो प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करना। एंड अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है तो अपना आईडी पासवर्ड दे देना, जिससे कि मेरे को भी फ़ायदा होगा वीडियो बनाने में और आप सभी को भी होगा, ठीक है। एंड हाँ गाइस, अगर आपको भरोसा है तभी देना, वरना आईडी पासवर्ड मत देना, चलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस ड्रेस कॉम्बिनेशन नंबर फर्स्ट के लिए आप सभी को चाहिए होगा ये वाला हेयर फोर्थ एनिवर्सरी बंडल का, ठीक है। उसके बाद आप सभी को बीटीएस बंडल का मास्क को पहना लेना है। एंड टॉप पर आप सभी को बीटीएस बंडल का टॉप को पहना लेना है, ठीक है। एंड पैंट पर आप सभी को कोई सा भी ब्लैक कलर का पैंट को पहना लेना है, या फिर अगर आपके पास जैस पैंट है तो पहना लेना, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप बीटीएस बंडल का पैंट को भी पहना सकते हो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ओपी लुक निकल के आता है इस कॉम्बिनेशन में। एंड शूज़ पर आप सभी लोग कोई सा भी वाइट या ब्लैक कलर का पहना सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं ये वाला पहना लेता हूँ। तो गाइस देखो काफ़ी ज़्यादा ओपी लुक निकल के आ रहे हैं ये वाले कॉम्बिनेशन में। और आप लोग को ये वाला कॉम्बिनेशन कैसा लगा कॉमेंट करके बताना, ठीक है। ठीक है, तो गाइस ड्रेस कॉम्बिनेशन नंबर सेकंड के लिए आप सभी को चाहिए होगा बीटीएस बंडल का हेयर। उसके बाद आप सभी को बीटीएस बंडल का मास्क को पहना लेना है। एंड फेस पेंट पर आप सभी को ये वाला यूज़ करना है। इसका जो आइस का कलर है ना वो काफ़ी ज़्यादा ओपी लुक देता है, ठीक है। एंड टॉप पर आप सभी को टक्सीडो बंडल का टॉप को पहना लेना है। एंड पैंट पर भी आप सभी को टक्सीडो बंडल का पैंट को पहना लेना है, ठीक है। एंड शूज़ पर आप कोई सा भी नॉर्मल ब्लैक कलर का पहना सकते हो। तो गाइस देखो काफ़ी ज़्यादा ओपी लुक निकल के आ रहे वाले कॉम्बिनेशन में। एंड अगर आप इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हो ना तो कोई बंदा पता ही नहीं लगा पाएगा कि आपने फ्री फायर में आज तक टॉपअप किया या नहीं, ठीक है। तो गाइस ड्रेस कॉम्बिनेशन नंबर थर्ड में आप सभी को वेनम टच का हेयर यूज़ करना है। उसके बाद आप सभी को देसी गैंगस्टार बंडल का चश्मा को पहना लेना है, ठीक है। एंड टॉप पर आप सभी को बीटीएस बंडल का टॉप को पहना लेना है। एंड पैंट पर आप सभी लोग कोई सा भी ब्लैक कलर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपके पास है। अभी तो मैं जैस पैंट यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आप सभी को कोई सा भी ब्लैक कलर का शूज़ पहना लेना है, ठीक है। तो देखो काफ़ी ज़्यादा ओपी लुक निकल के आ रही है वाले कॉम्बिनेशन में। एंड मेरा तो पर्सनल फेवरेट कॉम्बिनेशन है ये वाला, ठीक है। तो गाइस ड्रेस कॉम्बिनेशन नंबर फोर्थ पर आप सभी को ये वाला कैप पहना लेना है। ये वाला कैप मेरे को करीब बहुत ज़्यादा पहले ही मिला था, मतलब एक साल पहले, ठीक है। उसके बाद अब मास्क पर आप सभी को ये बीटीएस बंडल का मास्क को पहना लेना है। एंड टॉप पर आप सभी को ये वाला टॉप को पहना लेना है, ठीक है। एंड पैंट पर भी बीटीएस बंडल का पैंट पहना लेना, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिखता है बीटीएस बंडल का पैंट। तो यार मेरे को नहीं मिल रहा है यहाँ पर, चलो। एंड शूज़ पर आप सभी को कोई सा भी वाइट कलर का शूज़ को पहना लेना है, बिकॉज जो मास्क और शूज़ ना मैच करना चाहिए, ठीक है। तो भी मैं ये वाला शूज़ को पहना लेता हूँ। तो गाइस देखो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लुक निकल के आ रहे वाले कॉम्बिनेशन में। और चलो बढ़ते हैं लास्ट ड्रेस कॉम्बिनेशन की ओर। तो गाइस ड्रेस कॉम्बिनेशन नंबर फिफ्थ में आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर टॉप पर आ जाना है बीटीएस बंडल के। उसके बाद पूरा बंडल को पहना लेना है, ठीक है। उसके बाद हेयर पे आ जाना है आप सभी को। उसके बाद मैं जो जो हेयर बता रहा हूँ उसको यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपके पास वेनम टच का हेयर है तो उसको यूज़ करना, एंड फ्रोस्टी विच का है तो उसको भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास वेनम टच का नहीं है, ठीक है। तो एंड अगर आपके पास वेनम टच का हेयर है तो ट्राई करना कि उसी में यूज़ करो यार, बाकी सब ये तो नॉर्मल मैं आप सभी को बता रहा हूँ, अगर आपके पास नहीं होगा तो, ठीक है। तो देख लो यही सब ये हेयर आप सभी लोग यूज़ कर सकते हो। एंड अभी मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ, उसमें मेरा मोबाइल इतना हीट हो चुका है कि एक रोटी बन जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होगे कि मैं इस पर अब रोटी बनाऊँगा क्या, अरे नहीं यार, अभी मैं जाता हूँ इसको कूलर के सामने ठंडा करके आता हूँ। A few moments later. तो गाइस यही था आज का हमारा वीडियो। आई होप आप सभी को वीडियो काफी ज्यादा ओपी लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।